झारखंड में सबकी आवाज। पतरातु शहर का नलकारी डीम सुंदर आकर्षक मनोहारी छठा बिखेरे नव वर्ष 2020 के स्वागत के लिए तैयार है। राजधानी रांची से आप पतरातु की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ की हरियाली आपके मन को मोह लेगी। मंद मंद से बहती हवा और यहाँ की घुमावदार सड़कें पर्यटकों को काफी लुभाती हैं। तीन तरफ से सुंदर वादियों से घिरा यह डैम सैलानियों को खुद ब खुद आकर्षित कर लेता है। नए वर्ष का जश्न पिकनिक के रूप में मनाने के लिए यहाँ विभिन्न जिलों से लोग पहुँचते हैं। विशाल डैम का आनंद लेने के साथ साथ यहाँ की वादियाँ सैलानियों को अपनी ओर खींच लेती है। साल का आखिरी दिन था, इसीलिए हम लोग फैमिली के साथ पिकनिक मनाने यहाँ पतरातु घाटी आए हुए थे। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने में यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है और झारखंड में पर्यटन स्थल के रूप में ये पतरातु बहुत अच्छा विकसित हुआ है और बाकी धीरे धीरे झारखंड में कल मतलब जो भी जगह है पर्यटन का कंक्रीट होता जा रहा है, लेकिन नेचुरल प्लेस अगर देखा जाए तो पतरातु ही नेचुरल प्लेस है। और क्या यहाँ का अच्छा लगा? यहाँ का सबसे अच्छा हमको नौका विहार लगा, यहाँ का पतरातु डैम के पास जो रिसोर्ट है वो लगा, प्लस यहाँ जो पतरातु जो डैम है ये पूरे जंगल के बीच से जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि एकदम प्रकृति की गोद में आए हुए हैं और झारखंड का मेरे हिसाब से तो काफ़ी लोकप्रिय और काफ़ी अच्छा जगह है पतरातु डैम। मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं अपने सेल्स क्लोजिंग के रिगार्डिंग में मैं पतरातु आ रहा था। इसमें देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं झारखंड में और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, तो मैं भी सोचा कि थोड़ा क्लोजिंग के साथ साथ थोड़ा अपना इंजॉय भी कर लूँ, इसीलिए मैं बहुत ही लाइक करता हूँ और हमेशा मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ। फॉर्नाइटली विजिट है यहाँ पे मेरा, जैसे मैं यहाँ पे हो गया पतरातु डैम हो गया, पतरातु वैली हो गया, अभी जो रिसेंट में ही इसका उद्घाटन हुआ है, इसके लिए मैं झारखंड गवर्नमेंट का आभारी हूँ कि इन्होंने ऐसा यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस बनाया। तो इसके लिए आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आके हर एक टूरिस्ट से एक छोटा छोटा इंटरव्यू करके, सो मैनी थैंक्स फॉर यू। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।